तो आइए फ्रेंड, मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है, कैसा मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं आ चुकी हूँ किचन। हेलो फ्रेंड, प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का मॉर्निंग का समय है, मैं उठी तो 5 बजे है, लेकिन इस समय 6 बज चुके हैं, क्योंकि मैं मंजन की ग्रीन टी पी, उसके बाद मैं अब किचन में चल रही हूँ तैयारी करने, बच्चों का लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की पसंदीदा लंच मैं बना रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाना है तो 7:30 निकल जाते हैं, तो इस समय 6 बज रहे हैं। सब कुछ मैंने करके रख लिया है, सिर्फ मुझे बनाना बनाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि आप सब मेरा सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, तो अच्छा अच्छा वीडियो आता रहेगा। तो अभी देखिए, मैंने उठा था जैसे वैसे, बेड पे बिस्तर भी अभी पड़ा है, तो इसको रख देते हैं फ्रेंड, कम्बल को, क्योंकि कम्बल ओढ़ते हैं जैसे ठंड में मेरे थोड़ा बहुत लगता है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो कम्बल लेते हैं। और जैसे अभी ऐसे रख दिया फ्रेंड, क्योंकि खिला रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सेट कर दिया है। ये देखिए, बस थोड़ा से ऐसे कपड़े मार दिए हैं। और ये मेरे बाबू का पिलो का पिलो है। तो चलते हैं फ्रेंड, बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चों का मन था आलू का पराठा ले जाने का लंच में, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड ना, कि आलू का पराठा बनाने का तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा ही आलू था और धनिया बिल्कुल भी नहीं था, इतनी धनिया है, लेकिन बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का खाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है, कैसा मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं आ चुकी हूँ किचन पे, तो यहाँ पर हरा धनिया लिया है, ये देखिए धनिया थोड़ी ही है पर काम चल जाएगा, और हरा मिर्च तो है फ्रेंड, ये देखिए हरा मिर्च इतना सारा भी बचा भी है। और यहाँ पे एक गांठ मैंने लहसुन छील लिया है, और आलू मैंने बॉयल कर लिया फ्रेंड, इतना ही आलू था, जो कि मेरी फैमिली लंबी है तो इतने में होना मुश्किल है, लेकिन क्या करूँ, बच्चे की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे जिद करें तो हमें तो झुकना ही, क्योंकि मैं तो माँ बाप हूँ, उनके लिए करूँगी, चाहे थोड़ा करूँ या ज़्यादा करूँ। और यहाँ पे दूध भी मैंने बॉयल कर लिया है फ्रेंड, 6 बज चुके हैं, 5 बजे ही लगी थी। और ये देखिए, आटा मैंने लगा के रख लिया है, और अब चलती हूँ इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा से मैं काली मिर्च डालूंगी पेस्ट में, क्योंकि लहसुन और हरा मिर्चा और हरा धनिया, इन सभी को मैं पेस्ट बना लेती हूँ, मतलब पेस्ट क्या, पीस लेती हूँ सिलबट्टे में, पानी नहीं ऐड करेंगे। तो आलू का पराठा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, और हमारे बच्चों को जैसा पसंद है मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें खड़ा धनिया डालेंगे, जैसे मतलब समोसे के लिए भरा बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह बनाएंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा जीरा ऐड कर दिया, और जीरा गोल्ड भी हो गया, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया था जो कच्चा नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को इसी तरह का पसंद है दोस्तों। तो देते हैं चम्मच, और इसमें देते हैं दांत, क्योंकि ये धनिया जो है तेल में लाल हुई है ना, ये दांत के नीचे पड़ता है तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मिला दिया, और ये है, इसको भी मैं मिला लूंगी इसी में, जो मैंने लहसुन और नमक और वो सब पीसा था। और इसमें खाने के लिए चलते हैं बच्चों को, रात का बचा हुआ चावल है उसको टेस्टी बना देते हैं।
ताकि बच्चे उसको अच्छे से खा लें आराम से। क्योंकि फ्रेंड चावल और दाल बच्चे खा कर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दाल है, चावल दाल रात को बना था तो उसको खा के जाएंगे, और ये आलू का टेस्टी टेस्टी पराठा इसको लेके जाएंगे। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा, उली नहीं रहा फ्रेंड हाथों में तेल लग गया। ये देखिए जीरा डाल दिया, जीरा लाल हो जाए। और यहाँ पर जो रात का बचा हुआ चावल है इसको मैं फ्रिज में रखी थी फ्रेंड, क्योंकि गर्मी में बाहर रहता तो खराब हो जाता, तो इसलिए जरूरी भी है कि इसको मैं फ्राई करूं, क्योंकि फ्राई कर देंगे तो बच्चे बहुत टेस्टी लगता है खा लेंगे, वरना फ्रिज में रखा ठंडा ठंडा चावल, क्योंकि बच्चे गर्मी चावल मांगते हैं। मैंने बस थोड़ा से ही जीरा डाला है और बाल बाल में मेरे तड़का लग गई है, और इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर ले लेती हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए। बाकी और कोई मसाला नहीं डालूंगी, बिना मसाला वाला ही बना रहे हैं। ये देखिए पराठा बनाने के लिए तैयार हो गया है, पर धनिया नहीं है, क्या करें, थोड़ी ही धनिया थी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने तावा चढ़ा दिया है और ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है कटोरी में, और मतलब दाल चावल जो है अच्छे से गर्म कर दिए। तो अब चलते हैं फ्रेंड बनाते हैं, वरना हमारे बच्चे ना 7:30 ही निकल जाते हैं, फिर हम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने पेड़े, फ्रेंड उस पे पहला पराठा मेरा पड़ गया है, और इसको वन बाय वन ऐसे करते 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 धीरे धीरे मोड़ दूं। इसका मुंह एकदम से बंद मैंने कर दिया है, और आलू मेरा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा और आलू बिल्कुल फट भी नहीं रहा। तो अब इसमें लगा देते हैं तेल, मतलब रिफाइंड ऑयल, जो चीज आप पसंद करते हैं उस तेल को लगा सकते हो। तो इसको भी मैं बेल लेती हूँ, पर बेलने से पहले इसको ऐसे बढ़ा लेना है। अगर डायरेक्टली मैंने आलू भर के और बेलन से बेल दिया तो आलू हमारा जो है निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच ले जाना है, इसलिए छोटा छोटा बना रही हूँ। ये दूसरा भी मैंने बेल लिया, देखिए आलू बिल्कुल भी नहीं निकला है, जितना मर्जी आलू ऐसे भर के बढ़ा दो फटेगा नहीं। तो ये देखिए मेरा पराठा भी कैसा बन गया, करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए पत्ता रेडी हो गया, और मैं डाल देती हूँ दूसरा पराठा। देखिए फ्रेंड ये दूसरा मेरा पराठा गर्मे गर्म बन के रेडी है, कितना बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल। और तीसरा पराठा ये बेलने के लिए रखी हूँ, और इधर मेरा बेटा खाने जा रहा है, क्योंकि मैंने तो फ्रेंड्स सभी पराठे मैंने बना लिए हैं। देखिए टेस्टी टेस्टी पराठा, यमी यमी, गर्मे गर्म खाने में मजा ही अलग है। लेकिन तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक का टाटा बाय बाय, लव यू।